हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, अभी सुबह सुबह का समय है और अभी बज रहे हैं 10 और मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने। सारे कपड़े में धुल दिया है, आधा मशीन में धुला था, आधा हाथों से धुला है। और इस समय थोड़ा धूप जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, तो इसलिए मैं कपड़ा पहले ही लेकर चली आई हूँ ऊपर फैलाने के लिए। तो सारा कपड़ा मैं डाल दूंगी। और आज मैंने कुछ ज़्यादा ही कपड़ा धुल लिया था, सभी का कपड़ा था, और स्वेटर, साल और कोट ये सब भी मैंने धुला था। तो चलिए कपड़े धुल फैला देते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और अभी मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं क्या हस्बैंड जी भी खा चुके हैं, तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी बैठे थे और यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ क्योंकि धूप यहाँ पे था। और घर में सारा काम मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा धूप लेने आ गई थी क्योंकि ठंडी में अगर धूप मिल जाता है तो क्या बात है। तो इस वजह से, और घर में सारा काम पानी वाला रहता है ना, जैसे बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, तो ठंडा ठंडा हाथ रहता है। और हमारे घर में थोड़ा ज़्यादा ही ठंडी लगती है क्योंकि धूप बिल्कुल से भी घर में नहीं आती है, तो इस वजह से मैं बाहर आकर के बैठ जाती हूँ अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जी बैठे हुए हैं। देखिए दोस्तों, सरसों जो है उग गया है खेत में। देखिए, बड़ा बड़ा सरसों उग गया है और इस खेत में अभी उतना नहीं। हेलो दोस्तों, सुबह से शाम हो गया और मैं आप लोगों से मिल भी नहीं पाई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि दिन इतना छोटा होता है कि तुरंत ही निकल जाता है बनाते खाते काम करते करते, और मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ कपड़े लेने के लिए और अभी शाम भी हो चुकी है, अभी जोत जलाने का टाइम भी होने वाला है, बस 10-15 मिनट में हो जाएंगे। और आज हमारे यहाँ सामने शादी है तो उसकी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, लड़के की शादी है, लेकिन क्या बोलते हैं, जनरेटर चलने की आवाज़ आ रही होगी। तो अभी चलिए कपड़े लेते हैं। और एक भैया हैं तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था, उनका कमेंट देखकर मुझे अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा। तो बुरा ये लगा कि उन्होंने कहा कि आपका ब्लॉग अब कोई नहीं देखता है, आप ब्लॉग बनाना बंद कर दो, आपका ब्लॉग अच्छा नहीं होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बताया कि मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं होता है और मेरा ब्लॉग कोई नहीं देखता है। तो पहला नंबर तो आप नहीं देखते होंगे, इस वजह से आपको अच्छा नहीं लगता होगा, है ना? तो कोई बात नहीं, मैं ब्लॉग बनाना नहीं बंद करूँगी और जितने भाई बहन मेरे ब्लॉग देखते हैं मैं उनके लिए ब्लॉग बनाती हूँ। देखिए गाड़ी की आवाज़ आ रही है, मैं उनके लिए ब्लॉग बनाती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो मत देखा करिए मेरे ब्लॉग में। उन्होंने बोला था कि आपके ब्लॉग में रहता क्या है, कुछ भी तो नहीं। तो देखो, मेरे ब्लॉग में कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन मैं जो डेली का अपना रूटीन दिखाती हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ तो मैं क्या दिखाऊँगी, आप लोग समझिएगा। बस वही जो डेली का काम होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस वजह से मैं और क्या कोशिश कर सकती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ तो वीडियो बनाती हूँ, कहीं पर घूमने टहलने जाती हूँ तो वीडियो बनाती हूँ। मतलब मेरा ब्लॉग का चैनल है तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, बस वही मेरा जो लाइफ स्टाइल है वही तो देखेंगे, तो और मैं क्या दिखाऊँ। तो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो मत देखा करिए, प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करिए। रही बात कमेंट का, तो आपका मर्जी, अच्छा करेंगे तो ठीक है, बुरा करेंगे तो ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे जो भाई बहन मुझसे जुड़े हैं, जो मेरी वीडियो पसंद करते हैं, मैं उनके लिए ब्लॉग बनाती रहूँगी और ऐसे शेयर करती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं, जिससे मुझे हिम्मत मिलती है, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो देखिए
ये दीपांश का कपड़ा है, इसमें मैंने दीपांश का रख दिया है। और इसमें हस्बैंड जी के थे तो इसमें मैंने चद्दर उद्दर रख दिया है धुला था। और इसमें जो है यहाँ नीचे वाले में शिवांश का कपड़ा है। और यहाँ पर देखिए साड़ियों को मैंने इस तरीके से तह लगा दिया है। और यहाँ पे हस्बैंड जी के सारे कपड़े निकाल लिए हैं प्रेस करने के लिए। और ये जो साड़ियाँ मैं मायके पहन के गई थी, ये देखिए ये वाली और ये वाली, इनको फोल्ड कर दिया है। अब इन कपड़ों को चलते हैं लेकर नीचे। देखो कितना क्लियर है। जाओ खाली चलो जाओ भाई, काय बैठा हो गए हो पार्टी रे, तो दिन में दिखवा तो चल यार, तुलवा हो गंदा बैठा हो, चले खतो चलो चलो चलो। मामा नहा धो के भी कि नहीं, मैं अभी घर हूं वहां घर भैया। हां तो जाग ना पूछो ए अमुक दे दो पार्टी यार। और जो क्लिप में दिखाई वो पुराना क्लिप था दोस्तों, बच्चे गए थे जंगल में बंदर देखने और मैंने वो क्लिप जोड़ दी। और अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए। खाने में चावल सब्जी रोटी बना रही हूँ, आलू मटर टमाटर की सब्जी बनाऊँगी रसदार, और चावल बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। तो दोनों गैस मैंने जला दिया है। और आप लोगों को बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ करना, बगल में शादी है तो वहाँ पे डीजे जल जो है सुबह से ही बज रहा है और मैं एडिटिंग रात में नहीं कर पाई थी तो इस वजह से इस टाइम कर रही हूँ। और अभी मुझे वीडियो भी पोस्ट करना है तो इस वजह से मैं बंद करने का टाइम नहीं देख पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं चावल साफ़ करके धुल करके डाल दूँगी कुकर में और एक सीटी लगा लूँगी, चावल हमारा तैयार हो जाएगा। और बस अब सब्जी छोंक देते हैं और रोटी बाद में बनाऊँगी, जब सब लोगों को खाना खाना होगा तब बनाएंगे रोटी। और वैसे तो ठंडी में रोटी गरम गरम ही अच्छी लगती है, तो एकदम से नॉर्मल सब्जी बना रही हूँ बहुत ही कम मसाले में। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च डाल दिया था तेल में और थोड़ा सा मेथी, बाकी इसमें मैंने टमाटर पहले डाल दिया था और सारा मसाला वही डेली वाला, धनिया मिर्ची हल्दी गरम मसाला यही सब मसाले था डाल दिया है। अब मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, नमक भी मैंने इसलिए डाल दिया था ताकि टमाटर हमारा गल जाए। और टमाटर मटर ये सब पहले मैं पका लूँगी, उसके बाद इसमें आलू डालूँगी। आलू मेरी उबली हुई है तो इस वजह से मैं पहले आलू नहीं डाली हुई हूँ, क्योंकि वो पकी हुई है तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। तो मटर टमाटर मेरा पक चुका था, मसाले में ही मैंने डाल दिया था, तो यहाँ पे मैं आलू भी डाल दूँगी और इसको थोड़ी देर ढककर ऐसे ही भून लूँगी ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, 5 मिनट मैंने भूना था और उसके बाद मैंने इसमें जो है पानी डाल दिया है। चावल से मुझे खाना था तो इसलिए थोड़ा सा मैं रसादार सब्जी बना रही हूँ। तो अब मैं इसको ढक दूँगी और तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा डिनर, आप लोग भी आइए खा लीजिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अभी हम लोग बिस्तर पे आ चुके हैं और वहाँ पे दीपांश है, देखिए दीपांश गुड नाइट बोल दो सबको। गुड नाइट सभी को। अरे इधर देख के बाबू, वहाँ शीशे में देख रहा है, शीशे में दिखाई दे रहा है। गुड नाइट सभी को। इधर फेस करके दिखाओ। गुड नाइट सभी को। तो खाना पीना सबका हो चुका है और हस्बैंड जी आज गए हैं बाहर, मतलब शादी है न्योता करने। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छी सी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।